ये परमार परिवार के लोग, उनके दोस्त अहबाब, गांधी नगर वाले भी आले रसूल का स्वागत करना जानते हैं। शेरे हिंदुस्तान, सैयद हाशमी मियां, सैयद हाशमी मियां। कि बनाने वाले ने मस्जिद बना दी, अब बसाने वालों को मस्जिद बसाना है। मैं चाहूंगा कि आपको पता चले कि नमाज है क्या। आपने नमाज पढ़ा कब? नमाज मिली जब। अल्लाह के रसूल को नमाज मिली कहां? मेराज की रात है, नबी की जात है, तजलियों की बरसात है, कुर्बे जात है, अंबिया की बारात है, नबी की मुकद्दस जात है, पाकीजा हाथ है, उसी में तोहफे सलात है। मौलवियों अपनी पोजीशन संभालो। तुमने नमाज पढ़ा जब तुम्हें नमाज मिली, मेरे नबी ने अक्सा में उस वक्त पढ़ा दिया जब नमाज मिली भी नहीं। तो नमाज मिलने के बाद जो पढ़े, मिलने के बाद जो पढ़े मियां, उसे उम्मति कहते हैं, और जो पढ़ने से पहले पढ़ा दे उसे नबी कहते हैं। रसूल पाक ने अपने माथे की आंखों से खुदा को देखा, और अल्लाह ने मुसलमानों को मेराज अता करने के लिए नमाज दी तोहफा। 50 वक्त की नमाज पर दीदार और जलवों से बाहर निकलकर जब मूसा से मिले और मूसा ने उम्मत का नाम ले लिया, या रसूल अल्लाह, आपके उम्मती 50 पढ़ पाएंगे? अब उम्मती का ख्याल अब आया। हुजूर लौट गए मूसा अलैहि सलाम के कहने पर। अल्लाह ताला ने 50 को 45 कर दिया। मूसा ने कहा और कम कराइए, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 20, 20 से 15। मूसा ने कहा 15 भी ज्यादा, और कम कराई, 15 से 10, 10 से 5। अल्लाह ने बुलाया कुर्बत के लिए, जिब्रील लेके आए कुर्बत के लिए, सिजरा से ऊपर गए कुर्बत के लिए, निशानियां दी कुर्बत के लिए, जन्नत देखा कुर्बत के लिए, मुगैबात खुल गए कुर्बत के लिए, छुपी हकीकतें जाहिर हुई कुर्बत के लिए, रब का जमाल देखा कुर्बत के लिए, काबा कौसैन हुए कुर्बत के लिए, अब अदना की मंजिल से गुजरे कुर्बत के लिए, कुर्बत के लिए रसूल एक बार गए, उम्मत के लिए 9 बार गए, अपनी कुर्बत खुदा के लिए 1 बार गए, उम्मतियों तेरे लिए 9 बार गए। ऐसे नबी को मरते दम तक उसके दामन को सुन्नी छोड़ेगा नहीं। जो लामका में उम्मती को न भूले, हम मकान में अपने नबी को कैसे भूलेंगे? मौला ताला हम सबको मस्जिद बनाने
اور اسے آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.